साइड से इधर जाना पड़ता है। अब देखिए ये आप उमर के गांव भी बोल सकता है। देखिए साइड में छोटा छोटा घर है, गार्डन के बीच में घर है, सब घर में गार्डन है। देखिए आप देख पा रहा है इतना नीचे की व्यू देखिए, ठीक है ऐसा है। इससे भी नीचे मैं दिखाऊंगा, गाड़ी से ही मैं दिखाऊंगा आपको, आप देख पाओगे इससे भी नीचे। देखिए कितना नीचे खेजू, नीचे खेजू ड्रोन आप देख पाए ला, देखिए देखिए देखा कितना नीचे, देखिए जमीन में टच हो रहा है। देखो लेमन का लेमन की कितना लेमन है, वो लेमन में हुआ हुआ है। देखो ये देखो देखा कितना लेमन है, देखो सब खट्टा लेमन होता है, ठीक है लेमन का झाड़ है पानी, ठीक है। ये सारे पानी बारिश का होता है, कभी बारिश हुआ तो इधर भर जाता है, लेकिन अभी बारिश नहीं हुआ लेकिन पानी जमा है। देखो कितना इसी पानी में लोग पानी के लोग आता है इधर, रेस्ट करता है, खाना वाना खाता है, घूमता है, फिर शाम को अभी तो नहीं आएगा, शायद शाम को आएगा, ठीक है। इस वजह से इधर कुछ दुकान भी है लोग, ताकि इधर कुछ ना कुछ बिजनेस करे। देखो सामने स्टॉल है, इधर से एक स्टॉल है, उमर के गांव ऐसा होता है, ठीक है। कोई वादी का सामने या किधर गार्डन के अंदर घर वर बना लिया, ये एक स्टॉल है इधर, ये करता है, ये लोग रेस्ट करता है, मेस्का वगैरह बनाता है, सेल करता है, ये सब करता है, ठीक है, खाने पीने का सामान सेल वगैरह करता है। देखिए देखिए पहाड़ देखिए, ठीक है, नीचे वादी है, वादी मतलब नदी जैसा है, और पहाड़ का सारा पानी नदी के ऊपर से चलता है जाता है, ठीक है। हम वापस जा रहे हैं। देखिए गांव, देखिए घर भर कैसा है, देखिए छोटा छोटा घर है, ज्यादा बड़ा लंबी घर नहीं होता। पहाड़ का ये लोग पहाड़ का ढलान में सब घर वगैरह बनाता है। हर घर में गाड़ी रहता है, क्योंकि यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी चलता नहीं, टैक्सी वगैरह नहीं चलता है, तो गाड़ी रहता है, गाड़ी के वजह गाड़ी से सब आना जाना सब कुछ होता है। देखिए उमर का गांव कितना हरियाली है, देखिए आसपास में झाड़ वगैरह है, ये हरियाली होता है। देखिए इसमें इसमें कोई खास पानी देने का देता नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ झाड़ ऐसा है कि पानी देने का जरूरत नहीं पड़ता, जो जमीन में हवा में पानी मिलता है उससे वो बड़ा हो जाता है। अभी आसपास में कोई कोई बड़ा बड़ा घर बना रहा है, लेकिन नॉर्मली पहले का सब छोटा छोटा घर ही है। देखो सब छोटा छोटा घर है, आपको ओमान का गांव दिखा, अभी ओमान का थोड़ा पहाड़ दिखाऊंगा। पहाड़ में पहाड़ को काट काट के कैसा रास्ता बनाया है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए देखिए पहाड़, अभी पहाड़ का बीच में से रास्ता देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, पहाड़ काट के पूरा रास्ता बनाया। देखिए रास्ता का साइड में बैरिकेड भी है, ताकि रास्ता पहाड़ का जो पत्थर है वो पत्थर गिर के ना रास्ते पे आ जाए, कोई गाड़ी वाड़ी को एक्सीडेंट ना हो जाए, इधर साइड में बैरिकेड लोहे का बैरिकेड भी दे दिया। देखिए लोग इधर कुछ मिलिट्री पुलिस स्टेशन वगैरह है, इधर मिलिट्री का कैंप वैम्प, तो लोग इधर नौकरी वाड़ी करता है। देखिए रास्ता कितना ब्यूटीफुल रास्ता, देखिए
ये मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से करीब 17 मिनट का रास्ता है जो गाड़ी में दिखाता है। ब्यूटीफुल रास्ता है, मैं यहाँ भी करीब 100 का स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ। ये अलखुद एरिया में आता है, ठीक है, ये जो गार्डन वगैरह है ये अलखुद अलखुद ये अलखुद एरिया में। देखिए ये एक सिग्नल आ गया, बहुत जबरदस्त सिग्नल बना है, सब रेडर वगैरह भरा हुआ है, आप कोई भी गलती करोगे तो यहाँ आपको फंस जाओगे, आपका फाइन आ जाएगा, ऑटोमेटिक फाइन आ जाएगा। सारे रेडर वगैरह नया नया रेडर कैमरा, आप अच्छी तरह आप देखोगे कैमरा नजर आएगा, रेडर नजर आएगा। सिग्नल ओपन हो गया, हम चलते बन रहे हैं। ये रोड का हाई स्पीड 100 है, ठीक है, आप 110-115 तक जा सकते हैं, लेकिन 100 है इसका हाई स्पीड। हम थोड़ा गाड़ी साइड में रख रहा है, साइड के रोड से जा रहा है क्योंकि हम थोड़ा स्लो जाना चाहते हैं। फिर इधर सिग्नल आ गया और एक सिग्नल आ गया, आपको इधर राइट साइड में है सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी, ओमान का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, ओमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सुल्तान काबूस यहाँ का जो राजा था पहले उनका नाम से है, उसने ही खुद बनाया। इस देश का तरक्की के लिए इस देश का राजा का बहुत हाथ है, बहुत सब इसको देवी देवता का ऐसा इसको पूछते हैं, यहाँ एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है। कैसा है ये मेन रोड नहीं है, साइड रोड है, फिर भी देखो कितना खूबसूरत है मेन रोड, हर गाड़ी नया रहता है इधर, नया नया रहता है, कोई पुराना भी हो जाए उसको अच्छी तरह पेंट वगैरह करके नया होता है। यह रोड स्पीड अच्छा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको गाड़ी को अच्छा रखना जरूरत पड़ता है। सामने ब्लू कलर का पानी का टैंकी है, इसमें से पानी भर के गाँव गाँव में लेके जाता है, जहाँ पाइप लाइन नहीं है वहाँ पानी इसके जरिए ही लिए सप्लाई किया जाता। अपना देश में भी होता है सिटी एरिया में ऐसा, कहाँ किसी किसी के पानी का प्रॉब्लम है तो ऐसा सप्लाई करता है वहाँ। मेरा कलकत्ता में येलो कलर का होता है ऐसा टैंकर, लेकिन यहाँ ब्लू कलर का। आसमान बिल्कुल साफ है, फोटो भी अच्छा मिलेगा आपको, HD क्वालिटी में फोटो मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए, अच्छा लगा लाइक से या सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल में नया है तो एक बेल बटन दबा दीजिए ताकि तुरंत आपको वीडियो मिल जाए सब्सक्राइब में सब्सक्राइब करके। मैं अपना घर का रास्ता आ गया, यहाँ का स्पीड 40 है, अंदर ही बना एरिया 10 साल भी नहीं, 6 साल मैं जब आया था एक भी घर नहीं था, मेरा मतलब स्पॉन्सर का घर बन रहा था। देखिए कैसा कितना खूबसूरत सूरत घर है, देखिए घर वगैरह सब बन रहा है, आसपास सामने गार्डन भी बन रहा है, लेकिन अभी नहीं हुआ, बस काम चल रहा है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में से कमेंट कीजिए बताइए, ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, जो मन में मैं देखता हूँ वही मैं वीडियो बनाता हूँ। आपने देखा इतने टाइम से, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आई मेरा घर आ गया, मैं अभी घर का अंदर, मेरा गेट ओपन हो गया, हो रहा है, रास्ता अंदर घुस जाएंगे। मैं